हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। असाइनमेंट नंबर 4 जो कि आपके माह नवंबर के लिए दिया गया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहेगा। सभी सब्जेक्ट के आंसर हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस वीडियो में हम विज्ञान की सब्जेक्ट साइंस की बात करने वाले हैं और सब्जेक्ट साइंस के सभी प्रश्नों का एकदम सटीक और सही उत्तर हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, जिसके हेल्प से आप असाइनमेंट बना सकते हो या आपके असाइनमेंट बनाने में यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो बच्चों। और ये क्योंकि यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। और अभी हम असाइनमेंट देखने वाले हैं, असाइनमेंट का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस की असाइनमेंट नंबर 4 का। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर जो है इस तरह से आप अच्छे से प्रॉपर बनाएंगे। निम्न यौगिकों के रासायनिक नामों सूत्र लिखिए। तो ये चार यौगिक दिया तो मैंने सीधे आंसर बता दिया, ठीक है। ये आंसर उत्तर यहाँ लिख करके आप तीन कॉलम बना लीजिएगा। एक में आपने यौगिक डाल दिया, दूसरा रासायनिक नाम और तीसरा इधर आप सूत्र, तीन कॉलम बना लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं, अच्छे समझ आ रहे हैं, यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, कपड़ा धोने का सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, व्यंजक चूर्ण जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इनका सूत्र आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है मिसेल, साबुन के मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है, मिसेल किस प्रकार बनता है ये आपको बताना है। तो मिसेल का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया है। मिसेल जो है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आर बनाता है, ऑक्सीटाइन की पुंछ बनती है, सिर और पुंछ होते हैं। ये पूरा डिटेल यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं स्क्रोल डाउन करूँ पेज को, ध्यान से देख लीजिएगा और इसका कंप्लीट ये आंसर आप लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि इसमें जितने मार्क्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बड़ा आंसर ही लिखना है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये डायग्राम भी आपको बनाने हैं, यहाँ कंप्लीट होता है आपका ये, ठीक है क्वेश्चन। अब आगे देखो, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, एक मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिरा धमनी से किस प्रकार भिन्न है, धमनी और सिरा में अंतर लिखना है आपको। आपके असाइनमेंट का ये 3rd क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, धमनी तथा सिरा दो कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद चार अंतर यहाँ बोला है, चार अंतर आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, तो ये देखो आपको ये 5 और 6 अंतर और दिखाई दे रहे हैं, है ना, 4 ही लिख रहे हैं लेकिन 5 और 6, तो टोटल 6 अंतर यहाँ पे मैंने दे दिया धमनी और सिरा में, आप इनमें से कोई 4 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। बस हमको मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आपको आंसर दिखाई दे रहा है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है। तो यहाँ पे वर्णन नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वर्णन नहीं करना है आपको, ये 4 का उत्तर है, ठीक है। इसी तरह से इसका एक अच्छा सा चित्र बना के नामकरण जरूर करना है, ठीक है, नामांकित चित्र बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4B, पेसमेकर यंत्र किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है ये पूछा था। तो पेसमेकर यंत्र जो है दिल के दिल में आवेग उत्पन्न करता है, इसकी मदद से दिल की धड़कन और ध्वनि पर नियंत्रण रखा जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार पेसमेकर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 4B में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, अपने शब्दों में समझाइए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। आप इस तरह से इसका कंप्लीट आंसर लिखिएगा। और ये जो ऊर्जा स्तर है जो यहाँ पे बगल में बना हुआ है देखो राइट साइड पे, वो आप जरूर दिखाइएगा, ठीक है। पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रतिशत कैसा होगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होगा, ये पूरा कंप्लीट यहाँ बताया गया है। तो ये 5वें प्रश्न का उत्तर है, बहुत सटीक तरह से मैंने सभी प्रश्नों के जवाब को यहाँ पे रखा है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। 5वें सवाल का एक बार और दिखा दे रहा हूँ, 5वें सवाल का ये उत्तर है, ठीक है। चलो इसका PDF सॉरी, इसका PDF यदि आपको चाहिए तो किस तरह से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो उसका आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे टेलीग्राम का लिंक अलग मैंने दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक है हमारे पास, और इसके अलावा जो है हमारे पास व्हाट्सएप का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी इशू होगा, हम आप
आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सारे प्रश्नों के PDF आपको कहाँ मिलेंगे, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपको समझ आ गई होगी। यदि आप PDF देखकर आंसर लिखना चाहते हैं कंप्लीट, तो वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के बाद जो है आप सारे PDF, सारे स्टडी मटेरियल जो है डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी ज़रूरत का है। ठीक है, मिलते हैं स्टूडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ वीडियो एंडिंग करते समय, देखो कि सभी सब्जेक्ट के आंसर आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छे आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने बढ़िया क्लासेस हमारे हमारे यहाँ कंटिन्यू चलने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आप शेयर की कर दीजिए सारे दोस्तों तक, सारे फ्रेंड्स तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ओके।